सो गाइज, अभी आपने ये जो क्लिप देखी इसके अंदर जो एडिटिंग किया हुआ है इसे ही बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड इफेक्ट। अगर आप वेडिंग के वीडियोज एडिट करते हो, प्री वेडिंग के वीडियोज एडिट करते हो, या फिर अगर आप सिनेमेटिक वीडियोज एडिट करते हो और उसके अंदर अगर आप ये इफेक्ट अप्लाई करोगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और सिनेमेटिक लगेगा। तो इसी फास्ट फॉरवर्ड इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है विथ यूजिंग प्रीमियर प्रो, आज की वीडियो के अंदर हम सारा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने यहाँ पे क्लिप ऐड कर ली है टाइमलाइन के ऊपर। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले इस वाले क्लिप को आपको जूम करना है। जूम कैसे करोगे, देखिए इस लेयर के सामने परफेक्टली जो ब्लैंक स्पेस होता है वहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके माउस का स्क्रोल घुमाना है, ये जो क्लिप है वो जूम हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत क्लिप जो क्लिप है वो भी जूम कर लेना है। फिर इस लेयर के ऊपर यहाँ पे एक एफएक्स का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टाइम रीमैपिंग के अंदर स्पीड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अभी हमारी ये जो लाइन है ये काम करेगी स्पीड के लिए। ठीक है, पहले ओपेसिटी के लिए कर रहे थे, अभी हमने स्पीड कर लिया वहाँ पे। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पूरा वीडियो देखना है और यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कहाँ तक आपको फास्ट चाहिए, कहाँ तक आपको स्लो चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं कि इसको कैसे शूट किया हुआ है। देखिए, ये एक ट्रैक इन शॉट है, मतलब एक अंदर की तरफ आपका कैमरा आ रहा है, हाँ, और उसी के साथ साथ वो जो शिप है वो पीछे जा रहा है। ठीक है, तो इस शॉट को आपको कहाँ तक फास्ट करना है और कहाँ तक स्लो करना है, उन जगह पे आपको की फ्रेम ऐड करने हैं। की फ्रेम कैसे ऐड करने, देखिए आपको मूव टूल लेना है, फिर कंट्रोल प्रेस करके जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली पेन टूल से भी आप बना सकते हो। मैंने पेन टूल लिया है यहाँ पे। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे स्लो ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक फास्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ तक फास्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक की फ्रेम मैंने ऐड किया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे स्लो चाहिए, तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फास्ट चाहिए, यहाँ पे एक ऐड किया। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक फिर से स्लो चाहिए, यहाँ पे एक ऐड किया और आगे का फास्ट होगा। मतलब ये स्लो फास्ट इस तरीके से करना है। अब मैं मूव टूल लूँगा, स्टार्ट में आ रहा हूँ, जो मुझे स्लो करना है उसको मैं नीचे खींचूँगा। क्या करूँगा, इस लाइन को मैं नीचे की तरफ खींचूँगा। अब ये जो पार्ट है वो स्लो हो चुका है, अभी आप देख सकते हो प्ले करके, ये देखें बहुत हद तक स्लो हो चुका है। ऑलरेडी स्लो था, हमने और भी स्लो कर दिया है। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें क्या करना है, फास्ट करना है। तो इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा, थोड़ा ज़्यादा खींचना है, ये देखिए। ओके, अब ये वाला फिर से स्लो होगा, तो इसको और नीचे खींच लो, इस लाइन में ही लेके आओ। फिर इसके बाद में इसका जो अगला पोर्शन है वो भी हमें फास्ट करना है, तो फास्ट करना है तो ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, इस लाइन में लेके आएंगे ताकि दोनों का स्पीड एक जैसा नज़र आए हमें। फिर ये फिर से स्लो करना था हमें, तो इसको और थोड़ा नीचे लेके आएंगे। फिर ये फिर से हमें फास्ट करना था, तो इसको ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली एडिटिंग हुआ है। ये देखिए, फास्ट हो गया, ये स्लो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से फास्ट होगा। ओके, फिर ये यहाँ से फिर से स्लो हो रहा है। ठीक है, अभी ये इफेक्ट और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने में थोड़ा सा और फास्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो स्लो वाला इफेक्ट है और अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फास्ट स्लो इफेक्ट तो क्रिएट हो चुका है, बट इसको और ज़्यादा स्मूथ बनाना है। स्मूथ मतलब क्या है, देखिए जब यहाँ से फास्ट से स्लो हो रहा है, अचानक समझ आ रहा है कि यहाँ पे स्लो हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फेड क्रिएट करेंगे। फेड मतलब स्मूथनेस क्रिएट करेंगे। कैसे करना है, देखिए आपको क्या करना है, ये जो की फ्रेम है इसका जो राइट साइड है वो ऐसे राइट साइड की तरफ खींचना है, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो आपको लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्लोप क्रिएट हो चुका है, तो ये डायरेक्टली स्पीड नहीं बढ़ेगी जैसे ये बढ़ रही थी, अभी ये धीरे से स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम सेम करेंगे, और ज़्यादा स्मूथ करना है तो इसको और थोड़ा स्मूथ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसका जो राइट साइड है वो फिर से राइट साइड की तरफ मतलब बेंड करेंगे, इसका जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे। ठीक है, और भी अलग प्रोसेस है स्मूथ बनाने के लिए, बट मैं अभी आपको यही दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमें क्या करना है, और स्मूथ करना है, तो यहाँ पे स्मूथ कर लिया हमने। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक वीडियो प्ले करके देखते हैं यहाँ से।
देखें अभी कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। तो आपको सिंपली इसी तरीके से करना है, अभी आपका ये काम हो चुका है, अभी सिंपली आपको यहाँ से जूम आउट कर देना है। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। हमारे चैनल पर आगे जो वीडियोज आने वाले हैं उनके बारे में जो अपडेट है वो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलता रहेगा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो क्लिप्स यूज़ करके दिखाए हैं वही क्लिप्स अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे मैं ये जो आज क्लिप्स यूज़ किए हैं उनको ड्रॉप कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो के अंदर हमने फास्ट फॉरवर्ड इफेक्ट तो सीख लिया, बट अगर आपको वीडियो एडिटिंग स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखना है तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, ये मैंने सीरीज बनाई हुई है एडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कलर ग्रेडिंग सीखना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो।